टांटाडान भाई, पूरा डक्का हेड ले लिया हमने, हेड। वेरी गुड। सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज है मेरा दूसरा दिन यहाँ पे ताइपेई में, और आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है मतलब फूड टूर। तो आज के व्लॉग में हम अलग अलग टाइप का फूड ट्राई करने वाले हैं। तो अभी जा रहे हैं एक मार्केट पे जिसको बोलते हैं जिमेंडिंग मार्केट, जो मतलब कि दिन में भी खुला रहता है और नाइट में भी खुला रहता है। तो वहाँ जाके कुछ अजीब गरीब चीज़ें ट्राई करेंगे, और आपको पता थे कौन कौन सी चीज़ें आपको भी ट्राई करनी चाहिए। सो लेट्स गो, मिलते हैं आपको मार्केट में। सो गाइज, आपके पास जो इजी कार जो हमने लिया था वो आपके पास है, तो आप तो अब वो यूज़ करके ना ये साइकिल्स भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो, ये बंदा यहाँ पे यूज़ कर रहा है, तो मतलब इजी कार यूज़ करके ना आप ये साइकिल भी यूज़ कर सकते हो, बस यूज़ कर सकते हो, मेट्रो, एयरपोर्ट, रेलिंग, सभी चीज़ें, सभी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आप कार के ज़रिए यूज़ कर सकते हो। ताइवान का सिटी सेंटर का एरिया, तो गाइज ये जो एरिया है इसको बोलते हैं जिमेंड एरिया। तो इसका जिमेंडिंग करके एक नाइट मार्केट है, वो बहुत ही फेमस है। तो अभी यहाँ पे एक जगह पे आए हैं, सबसे पहले एक नूडल ट्राई करने के लिए। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं नूडल, और यहाँ पे कुछ एंट्रेंस में ऐसा आपको ये फेमस कुछ चिकन शॉप है वो मिल जाएगा। तो भाई ये देखो। सो गाइज, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है वो शॉप जिसमें बात कर रहा था, जिसको बोलते हैं एचूम फ्लोर राइस नूडल। तो वो ऐसा कुछ दिखता है। तो भाई ये देखो, ये है उसका नाम, और ये आप पीछे इंग्लिश में लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। ये लिखा है यहाँ पे एचूम फ्लोर राइस नूडल। तो अभी ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। ओके, थैंक यू। सो गाइस, ये है हमारा एचूम फ्राइड राइस नूडल। तो भाई आपको चिली डालनी हो, या फिर गार्लिक डालना हो, या फिर विनेगर डालना हो, तो आप डाल सकते हो। तो भाई यहाँ पे हाँ, नॉट मच चिक। तो भाई नूडल्स ट्राई करने के बाद यहाँ पे आए हैं एक बबल ट्री ट्राई करने के लिए। तो भाई ये देखो, यहाँ ना ऐसे ये लोग बनाते हैं जिंगफू टांग। गुड। तो भाई अपना है बबल टी ट्राई करते हैं अभी। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे तकलीफ ये है ना कि मोस्टली चीज़ें इंग्लिश में लिखी नहीं है। ये देखो, तो ये ना ये चाइनीज़ लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है जो भी है। ये देखो, ये यहाँ पे ये इसके बाजू में, तो इंग्लिश कहीं पे भी लिखा नहीं है, मतलब कि बहुत ही कम जगह पे लिखा है कि इंग्लिश में कि मतलब शॉप किसकी है। तो आपको ना वहाँ पे जाके पूछ के या फिर देख के पता करना पड़ेगा कि ये लोग क्या बेच रहे हैं। तो गाइस, ये अंकल ना यहाँ पे चीज़ ऑमलेट बना रहे हैं। तो गाइस, यहाँ ताइवान में कैसा है कि आप ना अगर ऐसी कोई भी शॉप में जाते हो और आपको कुछ ट्राई करके फ़ोटो निकालने हैं तो निकाल सकते हो। तो ये देखो, ऐसे ना आप फ़ोटो निकाल सकते हो, और जो प्रॉप्स है तो ये प्रॉप्स का यूज़ कीजिए, ऐसे फ़ोटो और वीडियो निकालिए जैसे लड़कियाँ कर रही है। और आप अपने मोबाइल में फ्री में फ़ोटो निकाल सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर आपको जो फ़ोटो चाहिए ये शॉप में से, ये ऑटोमेटिक शॉप है, तो ये कुछ चार्जेस हैं। तो ऐसे ना फ़ोटो आपकी कॉपी निकल जाएगी। तो अंदर का जो मार्केट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि शॉप का जो बूथ है वो कैसा दिखता है। तो ये ऐसा कुछ बूथ दिखता है। तो यहाँ पे आके ना आप अपने को कितनी कॉपी चाहिए, मतलब कि कितने फ़ोटोज चाहिए, उसके हिसाब से ये ले सकते हो। तो ये कुछ चार्जेस हैं, यहाँ पे आप पैसे डालिए, यहाँ पे पैसे डालना है, और ये आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी यहाँ पर। तो भाई ये ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया यार। तो ये देखो, यहाँ पे ऐसे बूथ से 5-6 बूथ हैं, और ये जो बूथ है वो है कोरियन सेल्फ फ़ोटो बूथ। ये कोरियन स्टाइल का है।
सॉसेज तो भाई अभी ना एक सॉसेज ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। आंटी को बोला कि भाई एक ट्राई करवा दो, कैसा लगता है बता दे आपको। थैंक यू। तो गाइज ये देखो हमारा आ गया है सॉसेज। तो गाइज ये ना अभी यहाँ पे एक लोकल वेंडर के पास आए हैं। तो ये आई थिंक दिस इज कोकोनट राइट, स्वीट जैसा है। अभी उसका नाम पता नहीं, अंकल ने बोला पर वो ताइवानीज लैंग्वेज में था तो हमको पता नहीं चला कि क्या है। बट लेट्स सी हाउ इट इज। हाउ मच? 50। ओके। तो गाइज ये जो शॉप है यहाँ पे ना अभी डक बाय करने के लिए आए हैं, डक ट्राई करेंगे आज। तोफू? ओके। तो भाई ये जो है ये है डक का नेक है, ये कुछ एग्स है, ये डक के लेग। ओके। तो गाइज ये जो डक वाली शॉप में से कुछ चीज़ें ली हैं, इसमें से अभी पहली चीज़ निकाली है तो वो है ये डक लेग। हाउ इज इट? डिलीशियस। तो भाई रिव्यू दिया है मैडम ने कि अच्छा है। तो भाई ये देखो ये है डक लेग। हाउ डू ईट? स्किन। खाली एक ड्रॉबैक ये है ये डक का, ये ना चीज़ें ठंडी है, गर्म नहीं है। तो ये जो आपको लेके आए हो आप बाहर, तो आपको पूरा ठंडा ही खाना पड़ेगा। ये आप गर्म नहीं कर सकते हो, अगर आप रूम पे ले जाते हो तो गर्म कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। और भाई सबसे खास चीज़ आज की टांटाडान, भाई पूरा डक का हेड ले लिया है हमने, हेड। तो गाइस और एक चीज़ ली है ये है तोफू। तो ये कुछ है तोफू। तो भाई ये तोफू ट्राई कर रहे हैं अभी, देखते हैं कैसा है। तोफू भी वही डक वाली शॉप में से लिया था, मोर सॉफ्ट